कुशनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ मड़ार बिंदवलियाँ चौकी पे, जो कि निपुण औरंगिया थाना क्षेत्र का चौकी पड़ता है। और हमारे साथ में एक महिला है, मंजू देवी, संजू देवी। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है 5/5/2023 को निपुण औरंगिया थाने में, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इनके साथ मारपीट किया गया और इनकी बच्ची का हाथ भी टूट गया। क्या नाम है आपका और किस गाँव से रहने वाली हैं? संजू देवी नाम है। किस गांव की रहने वाली हैं? कुर्मी पट्टी मिश्रावली टोला। क्या मामला हुआ था? हमार जमीन ले बनी बैनामा, बैनामा जमीन हम नमीन पार्टी कह के हम जान पर हमला बोल दे बोलो। गांव के प्रधान रवि कहतन पहले मार दसो, ओकरे बाद से इनके हम देख ली। कैसे कहतन मार दसो? हमार बगल गिर से। नाम क्या है? भगवान दिनेश जोनिया देवी, संजू उषा भगशाली, ये सब लोग मिल के मारे हैं आपको? फेकू ठगई बचनी देवी सुनीता देवी विनोद, इतना जानी मिल के मार के हमने के हाथ टूट दिले वाले। हमार कपार फाड़ दल लो, हमार बेटी कपार फाड़ दिया लो। थाने पर एप्लीकेशन दिले से कौन सुनवाई नहीं कर गई। कितना दिन भइल एप्लीकेशन दिले? हो गई 1.5 साल। 1.5 साल से प्रक्रिया चला था। हाँ जो एप्लीकेशन बटे 5/5/2023 के दिहल बटे। हाँ। में का भइल? गोइलानी थाने पर कहलो कि मार रहल जान से जहाँ भेटाती है मनोराय घाट है। हम डर के मारे चल गए नी एप्लीकेशन देवे थाने पर, आ थाने पर से नहीं एप्लीकेशन देकर तो इंटा चला के हमको मार दिया। मारले के बाद से इनके हम लगनी रो है 3 गाड़ी 112 नंबर बुलाओ लो। 112 नंबर बुला के ओकर बाद जब चल गए ना समझा के बस हमारे सारा कटरान टूट दिले बलो। भगवान दिनेश जुनिया मिल के तीने कटरान, ओकर बाद से इनके सीमेंट के कटरान बा ठगई बचनी सुनीता उनकर बच्ची सारा मिल के हमारे टूट दिले बलो सीमेंट के कटरान। अच्छा, जिस बच्ची का हाथ तोड़े हैं सब मार के, उसकी उम्र क्या है? बस 40-45 थी। 40-45 साल की लड़की है आपकी? ना लड़की है ना वो लोग वालों, हमारी लड़की है बाड़ी 19 साल के। हाँ। बारे में पढ़ा दड़ी। क्या नाम है? खुशबू सहानी। आप चाह क्या रही हैं? हम ओके इंसाफ चाहता नहीं कि कायम ने कानून से काहे खातिर हमके मारा था लोग देर के, आ कौन सुनवाई होता नहीं कहू गया कोने जगह सुनवाई नहीं होता, न थाना सुनता न चौकी सुनता न प्रधान हमारे गाँव का सुनता नहीं। देखा जाए तो इस तरह के मामले अक्सर सुनने और देखने में आते हैं, जैसे कि ये पीड़िता हैं और इनका विवाद 2022 से चल रहा है, और उसके बाद भी अभी 5/5 में फिर से इन्होंने एप्लीकेशन दिया है जिसमें इनको भी मारा गया और इनकी बच्ची को भी मारा गया, किंतु निपुण औरंगिया की थाने की पुलिस जो है उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और महिला जो है दर दर भटक रही है। तो ये इंसाफ चाहती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है, कानून जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, शासन प्रशासन लगी हुई है, जनता किसी तरह से परेशान नहीं है। लेकिन जनता कितनी परेशान है ये आपके सामने है कि एक महिला जिसकी 19 वर्षीय बेटी का हाथ मार कर तोड़ दिया गया, वो दर दर भटक रही है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या यही है भ्रष्टाचार मुक्त राज्य? इसी तरह से लोगों को इंसाफ मिलेगा? आखिर यह परिक्रमण जो है कब तक चलेगा? क्या उम्मीद की जाए निपुण औरंगिया पुलिस से कि इस महिला को इंसाफ मिलेगा? कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।